वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 ले रहे हैं हम, फ्रिक्शन। चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन, जो आज का हमारा जो चैप्टर है क्या है, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन मतलब घर्षण बल, मतलब रगड़। जब तो हम पढ़ेंगे इसके अंदर फ्रिक्शन के बारे में, मतलब जिसे हम कहते हैं घर्षण बल कहते हैं, या रगड़ भी कह सकते हैं। देखिए इस चैप्टर में जो हमें पॉइंट्स जो हमें स्टडी करने हैं, देखेंगे फ्रिक्शन, व्हाट कॉजेज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के क्या क्या कॉजेज हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, मतलब क्या 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 फैक्टर्स हैं जो कि फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को किस तरीके से इंक्रीज, जो फ्रिक्शन में इंक्रीजिंग हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, ये देखेंगे। और फिर लास्ट है व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, व्हील्स जो होते हैं, पहिए जो होते हैं, फ्रिक्शन को किस तरीके से रिड्यूस कर देते हैं। तो अब देखेंगे फर्स्ट हम फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, हैव यू एवर मूव्ड ऑन योर बाइसिकल अलोंग अ लेवल स्ट्रीट विदाउट यूजिंग योर लेग्स? If so, you know that you continue to move it for a while even though you have stopped pedaling the bicycle. But do you keep on moving forever? Your experience tells you the answer to these questions is no. You finally come to stop since you are no longer exerting a force by pedaling. The earlier Greek philosophers made similar observation about object in motion. Now also consider the following activity. Friction kya kaha hai? Have you ever moved on your bicycle? आप जो है अपने bicycle पे, अपने cycle पे जो है गली के अंदर, उसके level पर जो है गली के अंदर चल रहे हैं without using your legs, अपने पैरों के जरिए नहीं चल रहे, सिर्फ आप साइकिल पर चल रहे। इफ सो यू नो दैट यू कंटिन्यू टू मूव इट फॉर अ वाइल इवन थो यू हैव स्टॉप पैडलिंग द बाइसिकल। आपने ये देखा होगा कि आप लगातार चलते रहते हैं, जब आप जो है पैडलिंग करना, मतलब साइकिल में जो पैंडल मारना जो है, आप पैंडल मारना रोक देते हैं, फिर भी साइकिल जो है स्मूथली जो है बिना स्टॉप हुए चलती रहती है। बट यू कीप ऑन मूविंग फॉर एवर, योर एक्सपीरियंस टेल यू द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। क्या ये ऐसे ही चलती रहेगी? बट डू यू कीप ऑन मूविंग फॉर एवर, क्या वो ऐसे ही चलती रहेगी क्या साइकिल जो है बिना पैंडलिंग के? इस आपने पैडलिंग कर रहे थे, मतलब पैंडल मार रहे थे तो पैरों से अपने, और वो साइकिल चल रही थी, फिर आपने पैंडलिंग जो है मतलब पैंडल मारना छोड़ दिया। साइकिल में पैंडल होते हैं पैरों में, जिसे हम मारते आगे पीछे जब उसे चलाते तभी हमारे साइकिल के पहिए जो है चलते हैं। तो आपने उसे पैंडलिंग करना, मतलब पैंडल को मारना जो है छोड़ दिया, चलाना छोड़ दिया, तो साइकिल जो है चलती रहेगी कुछ समय तक, वह कुछ समय बाद जो है वो रुक जाएगी, हमेशा नहीं चलती रहेगी। सो योर एक्सपीरियंस टेल यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो। इसने कहा क्या हमेशा ही साइकिल जो है ऐसी चलती रहेगी? नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा नहीं होगा। यू फाइनली कम टू स्टॉप सिंस यू आर नो लॉन्गर एक्सर्टिंग फोर्स बाय पैडलिंग। आप आखिरकार रुक जाओगे क्योंकि आप जो है साइकिल के पैंडलिंग नहीं कर रहे, मतलब पैंडल को नहीं चला रहे पैरों से, उस पर फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, तो एक वक्त ये होगा कि वो जो साइकिल रुक जाएगी। द अर्लियर ग्रीक फिलोसोफर मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन, जो आप पहले जो एक ग्रीक फिलोसोफर जो है उसने इसी तरीके की एक सेम ऑब्जर्वेशन है उसकी, अबाउट ऑब्जेक्ट इन मोशन, जो ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं। नाउ ऑल्सो कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटी, आप इसे एक एक्टिविटी से आप समझ सकते हैं। एक्टिविटी वन देखते हैं हम। एक्टिविटी वन, टू शो दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रिवेंट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग अंटिल द फोर्स अप्लाइड इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या है? टू शो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रिवेंट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है प्रिवेंट करती है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग अंटिल द फोर्स अप्लाइड इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और ये जब तक जो है क्या करती है, प्रिवेंट करती है, जब तक जो है जो मूविंग जो फोर्स है, जो फोर्स अप्लाई की जा रही है, जब तक वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा ना हो जाए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा ना, कोई ऑब्जेक्ट है वो जब तक नहीं लेगा, जब तक उस पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उससे ज्यादा जो है फोर्स ना लगे। जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लग जाएगी तो वो ऑब्जेक्ट जो है मूव करने लगेगा।
इसी तरीके से बॉक्स है, इसके अंदर आप देखेंगे जो फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमेशा क्या है, फोर्स अप्लाइड की क्या करती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है, क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में। आप फोर्स इधर लगा रहे हैं और जो है फ्रिक्शन जो है इसे इसका अपोज कर रहा है, इस फोर्स को रोक रहा है, इसके मोशन को रोक रहा है। जिस वक्त जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा ये फोर्स अप्लाइड ज्यादा हो जाएगी तो ये बॉक्स जो है मूव करने लगेगा, क्या है, मूव कर जाएगा, आप आगे बढ़ जाएगा, अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। तो आप देखेंगे जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स अप्लाइड हो जाएगी तो वो ऑब्जेक्ट यह मूव करेगा। इसमें वही लिखा है, टू शो दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रिवेंट्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम मूविंग अंटिल द फोर्स अप्लाइड इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो फोर्स जो है अप्लाइड वो लगातार जो है अप्लाइड होती रहेगी और जब तक अप्लाई होगी जब तक वो चल ना जाए, वो चलेगा कब, जब ये अप्लाइड फोर्स जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगी तो ये ऑब्जेक्ट जो है मूव करने लगेगा। पुश अ हैवी बॉक्स एंड ट्राई टू मूव इट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप क्या एक हैवी बॉक्स को पुश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं उसे हिलाने की लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन इन द गिवन पिक्चर, और गिवन पिक्चर के अंदर जो अभी हमने पिक्चर दिखाई, इट डज नॉट मूव व्हेन यू अप्लाई अ स्मॉल फोर्स ऑन इट। वो जो है वो बॉक्स जो है बिल्कुल नहीं हिल पा रहा क्योंकि उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल है, मतलब बहुत कम फोर्स अप्लाई की जा रही है। नाउ इंक्रीज द फोर्स अंटिल इट्स स्टार्ट मूविंग, और अपनी फोर्स को जो अप्लाई फोर्स है उसे इंक्रीज करते रहो जब तक कि वो ऑब्जेक्ट जो है मूविंग करने ना लगे, चलने लगे। नाउ मूव द बॉक्स फ्रॉम द अपोजिट साइड एंड ट्राई टू मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। We can see that the box moves when we increase the force. क्या है, अब जो है box जो है move करने लगेगा opposite side, ठीक है, from the opposite side and try to move from right to left. फिर उसे अपोजिट साइड और फिर उसे हम ये भी कोशिश करेंगे उसे जो मूव है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट कर सके। कैन सी दैट द बॉक्स मूव वेन वी इंक्रीज द फोर्स, और बॉक्स जो है मूव कर जाएगा जब उसमें हमने फोर्स अप्लाइड को इंक्रीज कर दिया। कहने का मकसद है जब फोर्स अप्लाइड जो है, जो फोर्स अप्लाई की जा रही है उसमें लगाई जा रही है, उस बॉक्स को पुश किया जा रहा है, उसमें जब हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो उसे हम राइट लेफ्ट टू राइट भी ले सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी ले सकते हैं। इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट प्रिवेंट द बॉक्स फ्रॉम मूविंग इनिशियली। क्या है, इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट प्रिवेंट द बॉक्स फ्रॉम मूविंग इनिशियली। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या कर रही है, प्रिवेंट कर रही है बॉक्स फ्रॉम मूविंग इनिशियली, मतलब शुरुआती दौर में उसे हिलने से, उसे मूव करने से जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कर रही है, रोक रही है। यू हैव टू अप्लाई सफिशियंट फोर्स टू ओवरकम फ्रिक्शन बिकम बिफोर द बॉक्स स्टार्ट मूविंग। आप क्या करेंगे, जो उस पर जो है अप्लाई सफिशियंट फोर्स जो है अप्लाई करेंगे जिससे कि जो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस पर लग रहा है उससे ज़्यादा जितनी फोर्स है उस पर अप्लाई करेंगे जिससे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो बॉक्स जो है स्टार्ट मूविंग, मतलब मूव करने लगे। हेयर आल्सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव। क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है, जिस किससे अपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव करना चाहता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है। अभी आपने बताया था जिस डायरेक्शन में, अभी इस पिक्चर के अंदर हम दिखाएंगे दोबारा, देखिए इसमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है अपोजिट डायरेक्शन में किसके, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जो है मूव करना चाह रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है। तो आपने देखा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है, इन विच द ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करना चाहता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है। इफ यू पुश फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर आप किसी चीज को पुश कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर किसी चीज को हम लेफ्ट टू राइट पुश कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लगेगी, राइट टू लेफ्ट लगेगी। क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या आप क्या करेगी, राइट टू लेफ्ट होगी। और कोई ऑब्जेक्ट हम लेफ्ट टू राइट मतलब इस साइड से इस साइड मूव करना है, ऑब्जेक्ट को इस साइड से हमें लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाना है, ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या काम करेगी, राइट टू लेफ्ट फोर्स अप्लाई करेगी, कौन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब अपोज करेगी, जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, जो कि मोशन को क्या करती है, अपोज करती है।
इफ यू पुश फ्रॉम राइट टू लेफ्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर किसी चीज को आप राइट टू लेफ्ट पुश कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, लेफ्ट टू राइट हो जाएगी, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। द अबव टू एक्टिविटीज मूविंग द बाइसिकल ऑन द स्ट्रीट एंड मूविंग द हैवी बॉक्स ऑन द फ्लोर, आपने देखा ऊपर दो एक्टिविटी दी गई है जिसके अंदर एक जो बाइसिकल जो है गली के अंदर चल रही है और दूसरा जो है एक हैवी बॉक्स जो है फ्लोर पर मूव कर रहा है। सो दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो हमेशा आपने देखा कि जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमेशा क्या करता है, अपोज करता है किसको, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करता है, मूवमेंट को क्या करता है, अपोज करता है। नंबर वन, इट टेंड्स टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, और इसका क्या होता है कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो वो रुक जाए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। क्यों होती है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है मूविंग उसके अंदर है, कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है तो उसे क्या करता है, स्टॉप करने के लिए क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है अप्लाई होती है, मतलब उसे अपोज करती है उसके मोशन को। इट ऑल्सो टेंड्स टू प्रिवेंट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग, इट ऑल्सो टेंड्स टू प्रिवेंट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग, और ये क्या करती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है कि हर ऑब्जेक्ट को क्या है, स्टेशनरी रखती है, मतलब प्रिवेंट करती है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग। कोई ऑब्जेक्ट ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करती है, उसे मूविंग होने से, मतलब चलने से रोके रखती है। क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करती है, किसी चीज के मोशन को अपोज करती है। कोई चीज मूव करना चाहती है तो उसे क्या करती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसे रुकाए रखती है, मतलब अपोज करती है उसके मोशन को, अपोज करती है उसके मोशन को, होने नहीं देती फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दस फ्रिक्शन, दस फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट स्लोज डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन क्या है, इज अ फोर्स, फ्रिक्शन क्या एक फोर्स है, वह क्या करती है, स्लो डाउन करती है मूविंग ऑब्जेक्ट को, मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या करती है, उसकी स्पीड को क्या कर देती है, स्लो कर देती है, और प्रिवेंट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग, और क्या है, कोई जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसे मूविंग होने से, मतलब मूव करने से, उसकी पोजीशन चेंज करने से भी उसे अपोज कर रखती है, उसे रोके रखती है। कौन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का काम क्या है, कोई ऑब्जेक्ट स्पीड में है तो उसकी स्पीड को कम कर देती है, स्लो कर देती है, या कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो उसे मूविंग होने से रोके रखती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि फ्रिक्शन पे अफेक्ट करते, प्रभावित होते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्ले बिटवीन टू सरफेस, क्या है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दो सरफेस के बीच में होती है। इट डिपेंड्स अपॉन द स्मूथनेस, और ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है डिपेंड करती है उन दोनों के, इस जो सरफेस का नेचर है कि स्मूथनेस है, मतलब क्या है, बहुत ज्यादा एक जैसा है, स्मूथ है। स्मूथनेस ऑफ टू सरफेस, दोनों सरफेस की स्मूथनेस पे डिपेंड करता है कि उन दोनों सरफेस की जो आपस में कॉन्टेक्ट में है तो उनकी जो सरफेस है कैसी है, स्मूथ है या रफ है। हाउ मच हार्डर द टू सरफेस आर प्रेस टूगेदर, और वो जो दो सरफेस आपस में प्रेस कर रहे हैं वो कितने हार्ड हैं, तो ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है। ये फैक्टर्स हैं जो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। एक तो क्या, उसका सरफेस के स्मूथनेस है या रफ है, या दूसरा क्या है, उसके जो हार्ड है, हार्डर है। हाउ मच हार्डर द टू सरफेस आर प्रेस्ड टुगेदर, कितने सख्त है कि वो एक दूसरे को प्रेस्ड करते हैं। टू मेजर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को किस तरीके से मेजर करेंगे देखते हैं। टू मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट वी यूज अ डिवाइस कॉल्ड स्प्रिंग बैलेंस, क्या है, आप क्या करते हैं, टू मेजर द फोर्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट, जो फोर्स ऑब्जेक्ट पे एक्टिंग कर रही है, जो लग रही है, वी यूज अ डिवाइस कॉल्ड स्प्रिंग बैलेंस। हम एक डिवाइस है जिसे हम उससे क्या है उसे उसके मेजरमेंट कर सकते हैं, वो कौन सा है, स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं। वी यूज अ डिवाइस कॉल्ड स्प्रिंग बैलेंस, मतलब फोर्स के किसी ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स अप्लाई की जा रही है, कितनी फोर्स लगाई जा रही है उस ऑब्जेक्ट पे, तो जो एक इंस्ट्रूमेंट है, जो डिवाइस है, वो क्या है, स्प्रिंग बैलेंस के जरिए जो है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई की गई है, जो लगाई गई है फोर्स, उसको मेजर किया जा सकता है। इट इज यूजेस द प्रिंसिपल दैट द ग्रेटर द फोर्स, क्या है, आप जो प्रिंसिपल है यूज कर सक यूज किया जा रहा है, जैसे कि प्रिंसिपल दैट द ग्रेटर द फोर्स, द ग्रेटर इज द एक्सटेंशन स्ट्रेच दैट द फोर्स प्रोड्यूस इन अ कॉइल्ड स्प्रिंग, क्या है, इट यूज द प्रिंसिपल दैट द ग्रेटर फोर्स, ग्रेटर द फोर्स, अगर आप फोर्स जो है ज्यादा लगा रहे हैं, द ग्रेटर इन द एक्सटेंशन
स्ट्रेचेज, जो क्या होता है उसके एक्सटेंशन में क्या होता है, स्ट्रेच हो जाता है, एक्सटेंड हो जाती है, दैट द फोर्स प्रोड्यूस इन अ कॉइल्ड स्प्रिंग। और जो फोर्स प्रोड्यूस होती है किस तरीके से होती है, कॉइल्ड स्प्रिंग में होती है। किस में होती है, कॉइल्ड स्प्रिंग में। द स्प्रिंग बैलेंस कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल्ड स्प्रिंग विद अ पॉइंटर अटैच टू इट। क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस जो है कंसिस्ट उसके अंदर क्या होता है, कॉइल्ड स्प्रिंग होती है जो कि उसके साथ क्या लगा होता है, पॉइंटर अटैच होता है। द स्प्रिंग गेट्स स्ट्रेस्ड, जब स्प्रिंग जो है स्ट्रेच होती है मतलब खिंच जाती है, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय द पॉइंटर। जो फोर्स है वो जो अप्लाई हुई है उस पर जो स्प्रिंग जो उसकी खिंच रही है, तो उसके जो स्प्रिंग खिंच रही है उसके स्प्रिंग के जो है एक पॉइंटर लगा होता है जो कि बताता है कि इस पर कितनी फोर्स जो है अप्लाई की जा रही है। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड मेजर, और जो जो उसकी जो मेजर की जो रिजल्ट है वो स्केल पे शो होने लगता है, मतलब स्केल पे शो होने लगता है, जो उसकी जो नेडल है वो बता देती है कि हमें कितनी इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है, ये स्प्रिंग बैलेंस से हमें पता चल जाता है। एक्टिविटी टू देखते हैं हम। एक्टिविटी टू, टू मेजर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट सरफेस। आप जो मेजर कर रहे हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बिटवीन डिफरेंट सरफेसेस के बीच। मटेरियल रिक्वायर्ड अ ब्रिक, पॉलिथीन बैग, जूट बैग, स्प्रिंग बैलेंस। आपको जो मटेरियल रिक्वायर्ड है कि ईंट है, पॉलिथीन बैग है, जूट है और बैग है, जूट बैग है और स्प्रिंग बैलेंस की आपको आवश्यकता है। नंबर वन, द मेथड देखें किस तरीके से यूज करेंगे। द टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक, एक रस्सी, एक धागे को या एक रस्सी को जो है ब्रिक के चारों तरफ बांध दीजिए। अटैच ईदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस, और दूसरा एंड जो है स्ट्रिंग का मतलब धागे का या उस रस्सी का स्प्रिंग बैलेंस से बांध दीजिए। भला एक सिरा तो है ईट पर लपेट दीजिए और दूसरा सिरे जो है स्प्रिंग बैलेंस के साथ अटैच कर दीजिए। कीप द ब्रिक ऑन द फ्लोर, और क्या है ईट को जो है फ्लोर पर छोड़िए। यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस। आप जो है जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उस फोर्स अप्लाई जो की जा रही है वो स्प्रिंग बैलेंस पे शो होगी, क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस, नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस, जो उसकी निडिल है वो इस उसको ब्लिंक करेगी और जो है उसमें मार्क बताएगी कि हाँ भी इसमें कितनी रीडिंग आ रही है उस स्केल पर स्प्रिंग बैलेंस के अंदर। When the brick just start to move, जैसे ही brick जो है start move करना start करेगी, it gives the measure of the force of friction. तो उस वो क्या कहने लगी, वो बताने लगेगी for measure of force of friction between the surface of the brick and the floor. Brick और floor के बीच में जो surface है, दोनों का surface है, उसके अंदर कितनी force लग रही है, वो आपको spring balance से पता चल जाएगी। Now रैप अ पीस ऑफ पॉलिथीन बैग अराउंड द ब्रिक। अब क्या कर रहे हैं आप, ब्रिक ईंट के चारों तरफ एक प्लास्टिक बैग जो है लपेट देते हैं एंड रिपीट द एक्टिविटी, उस एक्टिविटी को रिपीट करते हैं। द स्प्रिंग बैलेंस गिव्स द मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ पॉलिथीन बैग एंड फ्लोर। नाउ अब जो है वो जो रीडिंग बताएगा, वो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे बताएगा, मेजर ऑफ फोर्स ब्रिक, जिस ब्रिक पर जो है उसे पॉलिथीन बैग में लपेट दिया गया है, मतलब रैप कर दिया गया है, उसे लपेटा गया है किसके अंदर, पॉलिथीन बैग में। और फिर इस एक्टिविटी को दोबारा आप अंजाम देंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर क्या होता है। नाउ रैप पीस ऑफ जूट बैग, ये क्या है, स्प्रिंग बैलेंस गिव्स द मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द पॉलिथीन बैग एंड फ्लोर। अब वो स्प्रिंग बैलेंस जो है वो बताएगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है, इसमें आपको स्प्रिंग बैलेंस पे स्केल पर शो होगा। जैसे कि आप देखेंगे एक फ्लैट जो भी है वुडन प्लैंक है, इसके ऊपर जो है एक ईंट है उसे बांधा गया है एक स्ट्रिंग से, एक धागे से, और दूसरा धागा जो है तो दूसरा सिरा जो है उसका दूसरा एंड जो है स्प्रिंग बैलेंस के साथ जोड़ा गया। अब इससे फोर्स लगाई जाती है, इस ईंट को खींचा जा रहा है, तो आप देखेंगे इसमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है, जो फोर्स अप्लाई हो रही है, तो वो यहाँ पर जो है इस स्प्रिंग बैलेंस पे नजर आएगी, यहाँ भी कितनी जो है फोर्स इस पर अप्लाई की जा रही है। इसी तरीके से जब हम पॉलिथीन लगाएंगे तो इसके मेजरमेंट पर फर्क आएगा।
Now wrap a piece of jute bag around the brick and repeat the activity. The spring balance gives the measure of the force of friction between the surface of jute bag and floor. अब क्या करते हैं, इस ईंट पर जो है, इस ब्रिक पे जो है जूट को लपेट दिया जाता है और फिर स्प्रिंग बैलेंस से जो है इसे खींचा जाता है इस ईंट को। तो आप देखेंगे क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनके बीच में क्या है, ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन वी सी दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द जूट बैग एंड फ्लोर इज द ग्रेटेस्ट। क्या है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जूट बैग और फ्लोर के बीच में जो है बहुत ज्यादा है। ऑल्सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पॉलिथिन बैग एंड फ्लोर इज द लीस्ट। और आप देखेंगे जो पॉलिथिन बैग जो ईंट पे लपेट दिया गया है और जो है वो जो फ्लोर है उसके जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वहाँ बहुत ज़्यादा कम होगा, क्योंकि जो जो पॉलिथिन बैग होता है बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है और उस ब्रिक को फिसलने में मूव करने में बहुत आसानी हो जाएगी, जिससे कि उस पॉलिथिन क्या करती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देती है। जब कोई स्मूथ सरफेस दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में आता है, मतलब दोनों सरफेस जो है लगभग स्मूथ हो, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहां क्या है बहुत कम होता है। तो जूट बैग में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है क्योंकि वो जो रफ सरफेस है, तो इसलिए उसे फिसलने में उसे खींचने में ब्रिक को जो है ज्यादा टाइम लग रहा है और उस पर फोर्स ज्यादा अप्लाई की जा रही है, ठीक है। और जो पॉलिथीन बैग पे लपेटा गया है उसके अंदर फोर्स जो है कम अप्लाई हो रही है और वो इजिली मूव कर रहा है। एक्टिविटी थ्री, ड्रैग अ स्मॉल मैट व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट। आप एक स्मॉल मैट को ड्रैग कर रहे हैं और उस पर कोई नहीं बैठा हुआ। इट नाउ लेट अ बेबी सिट ऑन द मैट। और इतने में जो है कोई बच्चा जो है मैट पर बैठ जाता है। ड्रैग द मैट आके फिर उस मैट को दोबारा ड्रैग करिए, खींचिए विद द बेबी सिटिंग ऑन इट। मतलब बैठे जो बच्चा है उस मैट पर बैठा हुआ उसी के समीप जो है उसके साथ ही इस मैट को ड्रैग करिए, खींचिए। यू हैव टू अप्लाई मोर फोर्स। तो आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। जब तक मैट पर बच्चा नहीं बैठा तो आप इजी इसलिए खींच रहे थे, और जब उस पर मैट पर जो है बच्चा बैठ गया है और फिर उसे मूव किया जा रहा है, खींचा जा रहा है, तो उसमें मोर फोर्स आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। इट इज ऑब्वियस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज व्हेन द टू सरफेस आर प्रेस्ड हार्डर। क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है जब दो सरफेस जो है आपस में एक दूसरे को प्रेशर हार्डर प्रेस्ड करते हैं, बहुत ज्यादा सख्त, मतलब एक वजन के साथ हैवी उसके साथ जो है हार्डली क्या कर रहे हैं, प्रेस्ड कर रहे हैं, कोई चीज दबाई जा रही है। जैसे आपने मैट पे जब कोई नहीं बैठा हुआ था तो इजीली पुश कर ली गई, पुल कर ली गई, ठीक है, और जब उस पर कोई बच्चा बैठ गया तो अब उस पर फोर्स ज्यादा लगाई जा रही है क्योंकि वो जो है बहुत ज्यादा हार्डर हो गया है, सरफेस जो है एक दूसरे पे बहुत ज्यादा प्रेस्ड कर रहे हैं, इसलिए फोर्स जो है ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। देखिए, व्हाट कॉजेज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय इररेगुलरिटीज ऑन टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट। फ्रिक्शन कब किस कारण होता है, जब दो सरफेस जो है कॉन्टेक्ट में होते हैं और वो इररेगुलर होते हैं, मतलब रफ होते हैं। इवन दो सरफेस विच अपियर वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल इररेगुलरिटीज ऑन देम द फॉर्म ऑफ ग्रूव्स एंड रिजेस। दीज ग्रूव्स एंड रिजेस आर लाइक दैट ऑन सैंड पेपर। इररेगुलरिटी ऑन द टू सरफेस लॉक इन टू वन अनदर। वेन द अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स टू ओवरकम आ इंटरलॉकिंग। क्या है यहाँ पर, इसने क्या है, फ्रिक्शन जो है किसके कारण होता है, जब दो सरफेस जो है कॉन्टेक्ट में होते हैं और वो इररेगुलर होते हैं। इवन दोस द सरफेस विच अपियर वेरी स्मूथ, अगर सरफेस जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ है, हैव अ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल इररेगुलर, उस पर जो है बहुत ही कम इररेगुलरिटीज हैं, मतलब ग्रूव्स और रिजेस बहुत कम है। दीज ग्रूव्स एंड रिजेस आर लाइक दैट ऑन अ सैंड पेपर, इतने हैं जैसे कि सैंड पेपर में। इररेगुलरिटी ऑन द टू सरफेस लॉक इन टू वन अनदर, तो इररेगुलरिटी जो होती है जो दो सरफेस को इंटरलॉक कर देती है एक दूसरे से। व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस, अगर हमें किसी भी सरफेस को मूव कराना है, वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग। आपको फोर्स इतनी अप्लाई करेंगी जो इंटरलॉकिंग वाली फोर्स है, है ना, जो इंटरलॉकिंग जो है उससे ज़्यादा, जो दो सरफेस आपस में जगड़ गए हैं, रुक गए हैं, तो उन्हें मूव कराने के लिए उन दोनों सरफेस में, तो आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। ऑन रफ सरफेस देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ इररेगुलरिटीज, सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ अ रफ सरफेस इज इन्वॉल्व। क्या है, ऑन रफ सरफेस जो है, रफ सरफेस में ऊबड़ खाबड़ है सरफेस जो स्मूथ नहीं है, देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ इररेगुलरिटी, उसमें बहुत ज्यादा इररेगुलरिटीज होती है। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ रफ सरफेस इज इन्वॉल्व।
क्या है, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है जब जो है रफ सरफेस इन्वॉल्व होता है। अगर स्मूथ सरफेस से दोनों तो बहुत इजीली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है आप पता लग जाता है। अगर रफ सरफेस ज्यादा है मतलब इररेगुलरिटीज ज्यादा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है बहुत ज्यादा होता है। वी कैन नाउ अंडरस्टैंड व्हाई अ बॉल रोल्ड ऑन अ स्मूथ सरफेस विल ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट। क्या है हम वी कैन नाउ अंडरस्टैंड, हम क्या है हम समझते हैं कि जब कोई बॉल जो है क्या है स्मूथ सरफेस पे क्या कर रही है, रोल कर रही है, मूव कर रही है, विल ट्रेवल अ लॉन्गर डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट में आने से पहले पहले वो एक लंबा डिस्टेंस जो कवर कर लेती है। देन व्हेन रोल्ड ओवर अ रफ सरफेस, है अगर उसी बॉल को हम उसे रफ सरफेस पे रोल्ड करें मतलब उसे लुढ़काएं, वी कैन सी दीज इररेगुलरिटी विद आई माइक्रोस्कोप, आप देख सकते हैं इस इररेगुलरिटीज को माइक्रोस्कोप से। यहाँ पर क्या है दो सरफेस है, यहाँ पर भी दो सरफेस है, कॉन्टेक्ट अब देख सकते हैं, वी कैन सी दिस इररेगुलरिटी विद अ माइक्रोस्कोप, अब ये दो सरफेस है ये भी दो सरफेस है, कॉन्टेक्ट बिटवीन अ स्मूथ सरफेस एंड अ रफ सरफेस, जो कॉन्टेक्ट हो रहा है किसमें स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस में हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है क्या है कॉन्टेक्ट बिटवीन टू स्मूथ सरफेस, और यह कॉन्टेक्ट जो है दो स्मूथ सरफेस में, तो यहाँ पर जो है इररेगुलरिटीज ज्यादा होंगी, जहाँ पर स्मूथ और रफ सरफेस है तो यहाँ पर जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा और यहाँ जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा जब दोनों ही सरफेस जो है स्मूथ है। द फ्रिक्शन इज मोर वेन यू प्रेस डाउन बिकॉज द इंटरलॉकिंग ऑफ इररेगुलरिटीज बिटवीन द सर्फेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर इंक्रीज वेन यू प्रेस द टू सर्फेस हार्डर टूगेदर। तो क्या देखते हैं, फ्रिक्शन इज मोर वेन यू प्रेस डाउन बिकॉज द इंटरलॉकिंग ऑफ इररेगुलरिटीज बिटवीन द सर्फेस ऑफ द ब्रिक्स एंड द सर्फेस, क्या है फ्रिक्शन जो है बहुत ज्यादा होता है जब जो है आप जो है बहुत ज्यादा प्रेस करते हैं, जो है दो आपस में सरफेस एक दूसरे को हार्डली क्या कर रहे हैं प्रेस कर रहे हैं, द इंटरलॉकिंग ऑफ इररेगुलरिटी बिटवीन द सरफेस, क्योंकि ज्यादा प्रेस करेंगे जो उसकी इंटरलॉकिंग है जो ऑफ इररेगुलरिटीज की बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर, मतलब दो सरफेस ब्रिक और फ्लोर, फ्लोर का सरफेस और जो है ब्रिक का सरफेस जो है आपस में जो है वो क्या कर रहे हैं प्रेस कर रहे हैं, हार्डली प्रेस कर रहे हैं। इंक्रीज व्हेन यू प्रेस द टू सरफेस हार्डर टुगेदर, क्या होता है जब फ्रिक्शन जो है ज्यादा हो जाता है जब दो सरफेस आपस में हार्डली क्या करते हैं प्रेस करते हैं, तो फ्रिक्शन क्या होगा खुद ब खुद बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब इस चैप्टर का जो है हम आज इतना ही पार्ट लेंगे, रिमेनिंग पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके पार्ट टू के अंदर लेंगे, मगर हाँ आपको हम कुछ क्वेश्चन देंगे होमवर्क में जो आपको अपनी साइंस नोटबुक में करने हैं। तो आप देखिए होमवर्क में आपको ये थ्री क्वेश्चन दिए गए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है, व्हाट इज इट्स डायरेक्शन और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, फ्रिक्शन क्या है फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होती है। नंबर टू विच टू फैक्टर्स अफेक्ट फ्रिक्शन, वे कौन से दो फैक्टर्स हैं जो कि फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, और नंबर थ्री व्हाट कॉज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कॉजेज क्या हैं। तो ये क्वेश्चन वन टू थ्री क्वेश्चन आपको अपनी साइंस नोटबुक में करने हैं, और जितना आपने आज चैप्टर लिया है उससे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप अच्छे से इन क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे अपने साइंस नोटबुक के अंदर और अच्छे से वीडियो देखेंगे, इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। थैंक यू।